अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी हम लोग निकले हैं सुबह नहीं, लेकिन अभी 10 बज रहे हैं सुबह के, और हम लोग ने अभी नहाए धोए सब, और अभी हम लोग जा रहे हैं जकरिया के वैक्सीन के लिए। तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना आज उस पर व्लॉग बनाया जाए, और आप लोग सबको बताएंगे कि यहाँ पे वैक्सीन का सीन क्या है, अगर कोई यहाँ पे बारे में आ रहा है और जिसके बच्चे भी हैं साथ में, तो कहाँ पे वैक्सीन देना पड़ता है, क्या है प्रोसीजर, सब हम लोग आज बताएंगे आपको। हम लोग तो रहते हैं हूरा में, तो इसी वजह से हम लोग जा रहे हैं। बेबी कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हैं अपन? गवर्नमेंट हूरा हॉस्पिटल ना, पूरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो अभी लेट्स गो, आपको मैं बताती हूँ। सो गाइस देखो, ये गोसी मॉल के सामने है ये हॉस्पिटल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, हम लोग ने अपनी गाड़ी पार्क कर ली है यहाँ पे, और ये है अबू बकर मस्जिद। सो गाइस ये देखो, ये है हूरा हेल्थ सेंटर। सो गाइज ये है उनका वैक्सीनेशन रूम सामने, एंड मैं ज़्यादा वीडियो नहीं ले पाई, क्या पता यहाँ पे वीडियो लेना अलाउड भी है कि नहीं, लेकिन मैंने फिर भी वीडियो ली हूँ। एंड गाइज ये जो है यहाँ पे जो हम लोग आए हैं अभी, ये हीमोग्लोबिन यहाँ पे टेस्ट। तो गाइज उस दिन मैंने एक दो दिन पहले जो है व्लॉग ली थी इसका, वैक्सीनेशन का व्लॉग, हम लोग जकरिया के वैक्सीनेशन के लिए गए थे, तो आपने तो अभी देखे ही होंगे वो सब। तो अब भी मैं ये जो है आगे का स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि उस दिन है ना जकरिया बहुत रो रहा था, उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था, तो इसी वजह से मैंने फिर डिसकंटिन्यू कर दी थी, क्योंकि मेरे को सब बताना था कि वैक्सीन के बारे में। और सो लेट्स स्टार्ट गाइस, मैं आपको अभी बताती हूँ कि पहली बात तो वैक्सीनेशन का ये जो बुक रहता है ये कैसा रहता है यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन। ये जो है गाइज, ये हम लोग को मिलता है यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो वैक्सीनेशन का बुक होता है, और आप देख सकते हो ये ऐसा होता है। ये देखो यहाँ पे जिदान जकरिया का नेम लिखा हुआ है इसलिए। और ये जो है गाइज, यहाँ पे ये सब जो वैक्सीन है ये सब डिटेल्स लिखे है यहाँ पे, ठीक है। और आप लोग ये भी देख सकते हो यहाँ पे, ऐसे ये लोग मार्क करके देते हैं ये वैक्सीन के बारे में। ये देखो ये सब ऐसा इधर मार्क करके देते हैं जो भी वैक्सीन देते हैं वो। ये देखो ऐसा है ये बुक। सो गाइज ये वाला जो बुक है ना, ये गवर्नमेंट की तरफ से मिला है हम लोग को, और ये वाला जो है गाइज ये हम लोग को मिला है प्राइवेट हॉस्पिटल से। जब हम लोग यहाँ पे आए थे बारेन में, तब जकरिया का जो है CPR नहीं बना था, दैट इज आइडेंटिटी कार्ड जो है रहता है CPR, वो नहीं बना था। तो इसी वजह से हम लोग को उसको पहला वैक्सीनेशन जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में देना पड़ा, तो इसी वजह से हम लोग को ये वाला बुक मिला। तो गाइज फिर वो लोग ने इसमें ही कंटिन्यू कर दिए, वो लोग ने हम लोग को दूसरा बुक नहीं दिए। तो अभी देखो मैं आपको बताऊंगी, ये देखो ये भी सेम है वैसा ही है। और है ना गाइज, ये देखो ये लोग है ना ऐसा लिख के देते हैं ये स्क्रीनिंग, मतलब ये जो है ये लोग नेक्स्ट डे लिख के देते हैं, नेक्स्ट डेट लिख के देते हैं कि कब भी वैक्सीनेशन होगा वापस से। और गाइज यहाँ का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, इतना मस्त हॉस्पिटल है, आपने तो देख ही लिया होगा वीडियो में, मैंने बस थोड़ा सा ऐसा एक क्लिप ली थी आप लोगों को बताने के लिए कि यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैसा होता है। तो गाइज इतना क्लीन, इतना साफ, और आपको पता है सबसे पहले तो वो लोग अपने को जो है अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, फिर अपॉइंटमेंट के बाद ये बुक उनको देना है। सबसे पहले अगर आप जाओगे तो आपके पास जो पहला वाला फाइल है वैक्सीनेशन का, अगर आप आपके कंट्री से आ रहे हो तो वो फाइल आपके पास जरूर रखना है। फिर आपके पास अभी बच्चे का CPR भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देना है तो। अगर आप प्राइवेट में जा रहे हो तो चलता है, बिना CPR के भी देते हैं, पर यहाँ पे ना गाइज वैक्सीनेशन के लिए बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स है यहाँ पे बोल सकते हैं आप। वैक्सीनेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और गाइज ये जो बुक है ना, इसको आप कभी भी घुमा नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि ये जो बुक है यही बच्चों के स्कूलिंग में काम आएगी, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइज इसको कभी घुमाना मत। मैं ये बोल रही थी गाइज कि आप जब भी आपका फाइल लेके जाओगे वहाँ पे, वो लोग पूरा रिकॉर्ड जो है वो उनके कंप्यूटर में डाल देंगे सब कुछ, और उनका जो भी है सब उसमें फीड कर देंगे, और ये बुक में भी वो लोग फीड करके रखेंगे। सो गाइज उसके बाद वो लोग जब सब कुछ डिटेल्स ले लेते हैं तुम्हारे, फिर उसको उसके बाद वो लोग बुलाएंगे, फिर बच्चे का वेट चेक करेंगे, हाइट चेक करेंगे, और ये जो फोरहेड है वो भी मेजर करते हैं वो लोग। एंड गाइज फिर वो लोग पूछेंगे आपको, क्वेश्चन पूछेंगे कि
बच्चा खा रहा है, पी रहा है, एक्टिव है, नहीं है, क्या है, कितना दूध पी रहा है, कौन सा दूध पी रहा है, क्या है, ये सब चीज़ें पूछेंगे। सोता तो नहीं है ज़्यादा, फिर एक्टिविटी करता है कि नहीं, ये सब क्वेश्चंस पूछेंगे। फिर अगर उनको लगता है कि सब सही है बच्चे को देख के, तो वो लोग आपको वैक्सीनेशन के लिए बोलेंगे, थोड़ा टाइम बाहर बैठो, फिर बुलाएंगे वैक्सीनेशन के लिए। और अगर नहीं तो वो लोग बोलेंगे कि जाके है ना डॉक्टर के पास कंसल्ट करो, वहाँ पे वो साइड पे डॉक्टर्स है वहाँ पे अवेलेबल, तो उनके लिए पेमेंट करना पड़ता है ना भाई डॉक्टर के लिए। हाँ, तो वहाँ पे जाके रिसेप्शन पे आपको पेमेंट करना है और फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना है आपको। फिर वो लोग सबसे पहले तो बोलते हैं हीमोग्लोबिन चेक करो, हीमोग्लोबिन का जो रिपोर्ट है वो डायरेक्टली वो लोग के कंप्यूटर पे आ जाता है, तो आपको बस जाके उनसे मिलना है डॉक्टर से, तो वो लोग बताएंगे अगर हीमोग्लोबिन कम है या कुछ भी है या मेडिसिन, वो लोग सब कुछ देते हैं। और डॉक्टर भी आपकी आपसे सब डिटेल लेगी कि क्या है बच्चे का, क्या नहीं है, खाना पीना, ये चालू करो, वो चालू करो, सब कुछ बताते हैं गाइज यहाँ पे ये लोग। और उसके बाद आपको है ना गाइज जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट रहता है वो भी ये लोग तब भी ही अपॉइंटमेंट लेके, मतलब बोलते हैं रिसेप्शन पे जाओ और अपॉइंटमेंट ले लो नेक्स्ट टाइम की, तो फिर अपने को जाके वो। सो गाइज मैं और एक चीज बताना चाहती हूँ कि हम लोग हूरा में रहते हैं, तो इसी वजह से हम लोग हूरा हॉस्पिटल में जाते हैं, पर आपके CPR पे जो भी है, जो भी एड्रेस है, उस हिसाब से आपको जाना है, ठीक है, आपके लोकेशन के हिसाब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको जाना है। तो हम लोग हूरा में रहते तो हम लोग इधर ही जाते हैं, हूरा वाले हॉस्पिटल में जाते हैं। ओके गाइज, तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कौन से है। एक तो है बर्थ के टाइम पे है एक वैक्सीन, फिर है 2 मंथ्स का, फिर है 4 मंथ्स का, फिर है 6, फिर 12 मंथ्स, फिर 15 मंथ्स, फिर 18 मंथ्स, फिर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 to 5 ईयर्स, देन 13 ईयर्स। सो गाइज ये जो है ये इतने वैक्सीनेशंस है, सो बस मैं यही बताना चाहती थी। सो गाइज अगर आप यहाँ पे ही रहने वाले और आपके बच्चों का स्कूलिंग जो है यहाँ पे बारे में होने वाला है, तो सबसे पहले एडमिशन के टाइम पे ये बुक पूछेंगे, तो ये बहुत जरूरी है गाइज, इसको प्लीज कभी घुमाना मत, ठीक है। तो ये है ना बुक अच्छे से संभाल के रखना गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक, ठीक है गाइज। और इनका जो वैक्सीन है ये आपको टाइम पे देना है। अगर आपने ऐसे सोचे कि ये 2 साल का हो गया पर ये 2 साल 3 महीने 4 महीने बाद देंगे, तो ऐसा यहाँ पे नहीं चलता। सो गाइज अगर आप कभी समझो इनकेस भूल भी जाते हैं, तो ये लोग जो है आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि आपकी अपॉइंटमेंट है करके, आपको मैसेज भी करते हैं एक दिन पहले, तो आपको मतलब कोई टेंशन नहीं है, ये लोग बताते हैं मतलब एक दिन पहले पूरा सब, मतलब यू नो कॉल करके मैसेज करके आपको बता देते हैं। और मेरे हस्बैंड तो पहले से ही रिमाइंडर रखते हैं, तो इसी वजह से मेरे को तो कोई टेंशन ही नहीं है, पर वो लोग भी कॉल करके बताते हैं। सो गाइज ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है इसके बारे में या कुछ भी है तो मुझे जरूर बताना। और गाइज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे DM भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ओके गाइज, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जो इंस्टाग्राम का ID है वो डाल दूंगी गाइज, तो आप मुझे फॉलो करना, ठीक है। सो गाइज टेक केयर, अल्लाह हाफिज, ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। ओके बाय बाय।